हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है ना, देखो मेरा सुबह से पिंपल आ गया, तो आज है ना बहुत जल्दबाजी में, आज है ना मुझे शादी अटेंड करना है एक। और ये देखो इसका हुक ऐसे ढीला हो गया बहुत, इसलिए मैं जा रही हूँ बाहर फटाफट, और इसका हुक वुक वो करवाऊंगी, सही करवाऊंगी, फिर शाम को शादी में जाऊंगी। मेरा कोई प्लान नहीं था शादी में जाने का, अचानक से मेरे को बोला तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। इसलिए मैं जा रही हूँ, और है ना कार भी धुलवाने जा रहे हैं हम अभी, तो लेट्स गो गाइस। बहुत जल्दबाजी में हूँ मैं, अच्छा रुको। और गाइस मैंने सोचा ना कि मेरा बाल भी देखो चिपचिपा रहा है, और है ना ठंड आ गई है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके ना बाल भी धुलवा लूँगी साथ ही साथ, और थोड़े एक दो झुमके भी खरीद लूँगी मैं, क्योंकि उस लहंगे के साथ कोई झुमका वुमका कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो जाके सब कुछ रेडी करके आऊँगी। मेरे पास बस 2 घंटे हैं, चलो गाइस। तो गाइस मैं आ गई थी सैलून, और फिर मैंने सोचा कि हेयर वॉश के साथ मैं थोड़ा पेडीक्योर भी करा लूं, और ये मेरा पेडीक्योर का प्रोसेस चल रहा है। और ये हो गया मेरा हेयर वॉश भी डन। यो गाइस, मैंने हेयर वॉश करा लिया, मतलब ब्लो ड्राई भी करा लिया, और मैंने पेडीक्योर भी करा लिया। मेरा पैर भी गोरा गोरा लग रहा है, अभी बस जा रही हूँ घर, फिर जाके रेडी होंगे। गाइस मैं रेडी हो रही हूँ, ये देखो, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया फाउंडेशन वगैरह, बस लिपस्टिक लगाऊंगी और थोड़ा ब्लश लगाऊंगी, बस इतना ही। यस गाइस मैं मेकअप लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ लहंगा जो 4 साल पुरानी है क्योंकि है ना मैं एकदम, मतलब एक ही लहंगा है मेरे पास, इसलिए मैं सोचा यही पहन लेती हूँ, क्योंकि 4 साल पुरानी लहंगा है मेरा, मैंने खरीदा था, तो आज मैं वही पहनने वाली हूँ। गाइस इतना भूख लगा है ना मुझे कि शादी जाने से पहले ही खाना खा रही हूँ मैं, क्योंकि ससे ससे थक गई आराम मिला। तो दोस्तों मैं ना आज है ना लहंगा के नीचे पहनने वाली हूँ शूज़, क्योंकि ना मुझे हील्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता, इसलिए मैं पहनने वाली हूँ शूज़, और जितना कंफर्टेबल मैं रहूँगी उतना अच्छे से मैं खा पाऊँगी और चल पाऊँगी, इसलिए मैंने शूज़ पहने। और हील्स में तो भाई मतलब मैं चल ही नहीं पाऊँगी, इस वजह से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया अपना और शूज़ पहन लिया मैंने। तो गाइस अभी हम फाइनली निकल रहे हैं, और मैं थक गई यार, पता है 2-3 घंटा तो यहीं पे वेट कर लिया मैंने रेडी होते होते, मेरा मूड ऑफ हो गया, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ लेट्स गो गाइस। तो गाइस हम लोग निकल गए, और बहुत ट्रैफिक है गाइस, मुझे देखो बदोबती 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 अच्छे लगे बदोबती। तो हम फाइनली आ गए शादी में, और ये देखो सब सुंदर सुंदर तैयार होके खड़े हैं, और अब हम एंट्री कर रहे हैं। गाइस फाइनली हम आ गए, अब हम जाके सबसे पहले खाना खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ना सारे ना दही भल्ले खा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ दही भल्ले, और ये बहुत टेस्टी था, मतलब ठीक ठाक था। तो फिर हम लोग गए दही भल्ले खाने के बाद पिज़्ज़ा खाने, और पिज़्ज़ा पे इतनी लंबी लाइन थी, साथ में यहाँ पे पनीर टिक्का भी मिल रहा था, तो मैंने खाया ही नहीं ना पिज़्ज़ा ना पनीर टिक्का। फिर मैं गई पानी पूरी के उधर, वहाँ पे भी बहुत बड़ी लाइन थी, मैंने एक ही खाया बस पानी पूरी, और ये यहाँ पे मिल रहा था आलू टिक्की, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और इसके बाद फिर हम गए जलेबी खाने, और हमने ले लिया गर्मा गर्म जलेबी विथ रबड़ी, और जलेबी जो था ना वो बहुत टेस्टी था, मतलब गर्मा गर्म बहुत टेस्टी था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम गए गुलाब जामुन खाने, और साथ में था
कुछ हलवा था, पता नहीं मुंह का हलवा या सूजी का हलवा था। और फिर हम गए बहुत सारा खीरा खाने। मेहनत है भाई, मेहनत है ना। मतलब मैं मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेरे को तो आता नहीं है। आता नहीं मतलब? बाहर जाके देख के आते हैं। गाइस बारात आई है, मैं भी देखने जा रही हूँ। लेट्स गो गाइस, देखते हैं। गाइस चलो जल्दी जल्दी देखते हैं कौन है दूल्हा जिनकी शादी में मैं आई हूँ। हाँ देख लिया
और अब मैं जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई लहंगा लेके, मतलब मेरे लहंगे लहंगा पे सब पैर फंसा रहे थे, मैं बार बार गिरने वाली थी, मैं बिंदी पे उतर गया। गाइस हम लोग है ना यहाँ पे शायद एक घंटा हो चुका है, अभी तक दूल्हे को उतारा ही नहीं है, बताओ। वो देखो अभी भी दूल्हा उधर ही खड़ा है, तो खड़ा है वो दो उसमें। ओके गाइस मैं घर आ गई, मैंने मुंह धो लिया ये देखो, और अब मैं सोने वाली हूँ गाइस, मैं बहुत थक गई। ओके बाय गाइस, गुड नाइट।